देखो क्वेश्चन है जेई मेन 2019 टेंजेंट शिफ्ट 2 का क्वेश्चन कह रहा है विद द यूजुअल नोटेशन इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री साइड ए इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड साइड बी इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 देन द रेशियो ए एंगल ए रेशियो बी इज। देखो इसको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल बेसिस पर यह सवाल सॉल्व कर दो। आप जानते हो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी होता है ट्रायंगल में, तो आपसे पूछ रहा है साइन एंगल ए का और बी का रेशियो पूछ रहा है, तो हमने लिख लिया साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं, तो रूट थ्री प्लस वन से कर दिया तो कितना आ गया ऊपर वाला रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर जो कि वन ये बन जाएगा और नीचे टू बन जाएगा विच इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री। अब आप ध्यान देना, देखो एनालिसिस कैसे कर देते हैं क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए। टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री मतलब 3.732 लमसम यही आएगा। ओके अब आप देखो एक चीज, अगर हम ए को 90 डिग्री रखें और बी को 30 रख लें, मतलब तीनों एंगल का रेशियो ले लें, तो कितना आ जाएगा टू टाइम्स आएगा क्योंकि साइन 31/2 ऊपर चला जाएगा तो टू आ जाएगा इनका रेशियो साइन ए अपॉन बी। लेकिन ये इससे भी ज्यादा है, मतलब तिगुना एंगल रख रहे हैं तब भी ये टू टाइम्स ही आ रहा है, तो उससे ज्यादा का टाइम्स रखना होगा। ऑप्शन नंबर आप डी देखो 1.7 टाइम्स ही है, 5:3 कितना हुआ 1.7 समथिंग, 9:7 कितना है 1.2 समथिंग वो भी नहीं, 3:1 रख के देख लिया भाई, 3 एग्जैक्ट रखा तो 2 ही टाइम्स बन रहा है उसके। और क्यों ऐसा रख रहा हूं, क्योंकि आप देखो ना 0 से 90 के बीच में ही रखना पड़ेगा, एक इधर एंगल रखना पड़ेगा एक इधर, तभी ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तब आप देखो अंत में बी सी डी नहीं हुआ तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे एनालिसिस करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है,